Good morning, all of you students. Now we are present here for the explain the story, The Gold Watch, written by Ponjikar Rafi. Ponjikar Rafi, a famous Malayalam writer, was born in Kerala in 1925. He is a trade unionist who criticized the working of the church and the priest. He was closely attached with the life of the low-paid workers. He has written both short stories and full-length novel. Now we should the brief summary of the story. Sanku, the hero of the story, he was a low-paid worker in a factory. He had a small family, having a wife and two children. A third child was also about to come. He had taken a lot of money on loan. He had so many economical problems. He had no way to solve them except stealing the gold watch of the engineer. Does he steal the gold watch? What are his feelings before stealing the watch? What were her feelings after stealing the watch? And in the end, after what he did it? Now we should consider the story to get the answers of these questions. We will explain in Hindi. जैसा कि हमने देखा कि जो स्टोरी का हीरो है उसका नाम है संकू। संकू एक गरीब फैमिली में रहता था और उसकी एक वाइफ और दो बच्चे थे, तीसरा बच्चा होने वाला था। वो बहुत परेशान था और कर्जों से तबाह हुआ था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। उस स्टोरी शुरू होती है यहाँ से कि वो रात में सोने की कोशिश कर रहा है, अपनी पटी हुई चटाई पर लेटा है, करवटें बदल रहा है और बार बार वो डिस्टर्ब हो रहा है ये सोचकर कि उसे क्या दिखाई दे रहा है कि अपनी ऑफिस, जो एक ऑफिस है उसकी फैक्ट्री में, उसका रूम दिखाई दे रहा है। उसकी खुली हुई खिड़की है, एक टेबल है, उसके ऊपर इंजीनियर की एक गोल्ड वॉच रखी हुई है, वो सीन उसे दिखाई दे रहा है। उसने सोचा कि कितनी बार उसने कोशिश की है कि इस गोल्ड वॉच को उठा ले, लेकिन हर बार अपने डर की वजह से, अपनी कायरता की वजह से वो इस चोरी में नाकाम हो जाता था। फिर सनकू को याद आता है कि उसके ऊपर कितने कर्जे हैं, कितना उधार उसने लोगों से ले रखा है, किस तरह से ये उधार चुकाया जाएगा, टी शॉप से, शॉपकीपर्स से, अपने फंड से, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अपनी माँ की जब मृत्यु हो गई थी उसकी एनिवर्सरी के लिए बहुत सारे कर्जे उसने लिए थे, अपनी पत्नी से भी उसने उधार ले रखा था, राशन के लिए भी उधार ले रखा था। और उसे जो महीने के पैसे मिलने वाले थे, सैलरी जो मिलने वाली थी, वो सिर्फ 8.5 रुपये थी और जो कर्ज़ा उसे चुकाना था वो 22 रुपये और 13 पैसे, इतने उसे चुकाने थे। और भी पूरे महीने का खर्च भी उसे चलाना था। उसने सोचा कि इन 8.5 रुपये से क्या होगा, उसकी लाइफ शांति से चल सकती है अगर वो गोल्ड वॉच चुरा लेता है और फिर इसे बेच देता है तो उसे सारी कर्जों से निजात मिल जाएगी और उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। अदरवाइज उसे कोई और अल्टरनेट या कोई और रास्ता अपने कर्जों को चुकाने का नज़र नहीं आ रहा था। संकू यही सोचता है, करवटें बदलता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है चोरी के नाम से ही। फिर उसे फंड का जो ओनर होता है और जो टी शॉप्स का भी ओनर होता है, सब उसे हंसते हुए दिखाई देते हैं, उसका मजाक बनाते हुए दिखाई देते हैं रात में जब वो आँख बंद करता है, कि कर्ज़ा ना चुकाने से कितना सब उसका उपहास उड़ाएंगे, कितना उसका मजाक बनाएंगे। फिर वो सोचता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, कल वो ज़रूर चुरा लेगा उस घड़ी को, द गोल्ड वॉच, जो इंजीनियर की वॉच है, जो एक इंग्लिश मैन है, और लंच टाइम में जब सब जाते हैं, बिल्कुल सन्नाटा होता है फैक्ट्री में, तो वो ज़रूर चुरा लेगा, किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ये गोल्ड वॉच किसने चुराई है। फिर वो गहरी नींद सो जाता है। मॉर्निंग में उसकी पत्नी उसे उठाने के लिए आती है कि क्या सोकर नहीं उठोगे, आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है। तो वो जल्दी से हड़बड़ा कर उठता है और कहता है कि नहीं नहीं, हाँ मुझे जाना है, मुझे काम पर जाना है। जल्दी से वो तैयार होकर जब घर से निकलने लगता है, तभी उसकी पत्नी उसे इंस्ट्रक्शन देती है, याद दिलाती है कि सुनो, कुछ मरहम लेते आना, बच्चे को कुछ दानों की प्रॉब्लम हो गई है। और फिर वो आगे बढ़ता है तो उसकी पत्नी फिर उसे याद दिलाती है कि सुनो, छोटे वाले बच्चे के लिए कुछ केले भी लेकर आना, उसे रात में बहुत भूख लगती है।
तभी उसकी नज़र अपनी पत्नी की फिजिक्स पे पड़ती है, उसकी बॉडी पर पड़ती है, और वो देखता है कि उसकी पत्नी जो है ना फिर से प्रेग्नेंट है, तीसरा बच्चा भी होने वाला है। उसे वो अपने आप को कोसता है, तभी उसकी पत्नी की आवाज़ उसे फिर से सुनाई देती है कि लिसन डू नॉट फॉरगेट, भूल मत जाना, जो मैंने बताया है वो लेते हुए आना। वो फैक्ट्री में चला जाता है और वहाँ पर जैसे ही घड़ी में एक बजता है, इंटरवल की बेल होती है, सभी लोग लंच के लिए कोई टी शॉप्स पर, कोई होटल्स पर, कोई होम में, सभी लोग चले जाते हैं। संकू अकेला होता है जो वहाँ पर रह जाता है और वो पिलर के पीछे छुपा हुआ खड़ा होता है। उसका दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगता है, उसे अपनी धड़कन सुनाई देती है। कुछ मिनट गुजरते हैं, वो इंजीनियर जो कि एक इंग्लिश मैन है, उसकी आंखें बिल्कुल बिल्ली की तरह हैं, वो निकलता है बिल्कुल स्टैचू की तरह और बाहर लंच के लिए चला जाता है। संकू ने देखा कि उसकी कलाई पर गोल्ड वॉच नहीं थी, उसने बहुत रिलीफ का सांस लिया कि चलो इसके हाथ पर वो वॉच नहीं है तो निश्चित ही वो टेबल पर होगी। वो वहाँ पिलर छोड़कर ऑफिस की विंडो के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर द गोल्ड वॉच रखी हुई है, चमक रही है, ग्लिटर कर रही है। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ जाती हैं। 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 मिनट पास हो जाते हैं, वो वहीं पर खड़ा रहता है। वो ये सोचने लगता है कि अगर कोई मुझे देख लेता है फिर क्या होगा। फिर उसे लगता है कि तुम इसी डर की वजह से तुमने पिछले दिनों भी अपनी कायरता की वजह से तुमसे ये काम नहीं हो पाया, आगे बढ़ो और इस घड़ी को उठा लो। कोई भी नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, उसके मन से आवाज़ आती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है कि कोई भी नहीं देखेगा, तुम उठा लो ये घड़ी, डरो मत। वो अपना हाथ अंदर डालता है उस खुली हुई खिड़की से, तो बहुत ज़्यादा वो नर्वस हो जाता है। उसने आँखों से इधर उधर घुमाकर चारों तरफ देखा, उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसने फुर्ती से वो घड़ी टेबल से उठा ली और अपने ट्राउजर्स के पॉकेट में डाल ली। उसके सांस बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रुक रही है और वो बहुत जल्दी में आगे बढ़ गया। अभी वो 10 कदम ही आगे बढ़ा होगा, तभी उसने पीछे देखा, किसी के कदमों की आवाज़ थी आने की, तो कॉरिडोर में कोई आ रहा था। वो उसकी फैक्ट्री का टाइम कीपर्स था, वो आगे आ रहा था और जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे लगा, हे ईश्वर, अब इसने मुझे चुराते हुए देख लिया है। वो पिलर के पीछे छुप गया। अब उसे लगने लगा कि जो ये गोल्ड वॉच है, ये एक जलते हुए कोयले की तरह उसकी पॉकेट में पड़ी हुई, जिससे पूरी बॉडी में उसके आग लग रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगा। उसे लगा कि चारों तरफ आग लग गई है, मैं भी आग में जल रहा हूँ, चारों तरफ आग ही आग है। बस उसे यही परेशानी हो रही थी कि अगर इसने देख लिया होगा तो क्या होगा। वो पास आता है और कहता है कि ब्रदर संकू, कि भाई संकू, यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो पिलर की तरह, लंच का टाइम हो गया, जाना नहीं है क्या? तो कहता, नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, बस ऐसे ही मैं खड़ा हो गया था। उसके साथ माधवन भी होता है। माधवन एक बहुत हंसी उड़ाने वाली, एक हंसी हंसता है और उसके साथ फिर चला जाता है टाइम कीपर के साथ में। जब वो चला जाता है और उसकी हंसी सुनकर वो सोचता है संकू कि हे ईश्वर, निश्चित ही इसने मुझे घड़ी चुराते हुए देख लिया, तभी इस तरह से हंस रहा है, और अब ये जाएगा, सबसे बता देगा। इस फैक्ट्री में काम करने वाले जो 800 वर्कर्स हैं वो सब मुझे चारों तरफ से घेर लेंगे, शोर करेंगे और चिल्लाएंगे चोर चोर चोर, और सभी लोग बॉस से भी कहेंगे, और फिर मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। कितनी घृणा से सब मेरी तरफ देखेंगे, सब मुझे चोर कहेंगे। उसे याद आया कि पिछले ही बार तो वैकी को निकाला गया था नौकरी से, क्योंकि उसने एक फैक्ट्री का ओल्ड अम्ब्रेला, एक पुराना सा छाता था, उसे चुरा लिया था। डर की ठंडी ठंडी लहरें उसके दिल से उठने लगी। उसे लगा उसका गला जो है चौक हो रहा है, बंद हो रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है। अब गार्ड, उसे लगा ये जो गार्ड है ये आ रहा है एंट्रेंस पे, जो खड़ा है इस पे, ये टाइम कीपर्स जो है ये जाएगा उसके पास, उसे इन्फॉर्म कर देगा और वो आकर मुझे पकड़ लेगा। चारों तरफ खतरा ही खतरा है। वो फिर सोचता है, वहीं पर खड़ा रहता है। अब भी उसे महसूस हो रहा है कि उसके ट्राउज़र की पॉकेट में जो गोल्ड वॉच है वो जलते हुए कोयले की तरह है, जो बराबर उसके बदन में आग लगा रही है, चारों तरफ लपटे उठ रही हैं। वो सोचता है, ओह नो, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे ही टाइम उसके माइंड में अपने कर्जे आते हैं, वो उन्हें झटक देता है, ऑफिस के रूम की तरफ बढ़ता है। विंडो अब भी थोड़ी सी खुली हुई थी, उसने चारों तरफ देखा, संकू ने, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो चुपचाप अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, फुर्ती से वो घड़ी निकालता है और विंडो के अंदर हाथ डालकर उसी टेबल पर, उसी जगह पर उस गोल्ड वॉच को रख देता है।
जब वो मुड़ता है उसे फिर से एक बार अपने कर्जे याद आते हैं, उसे लगता है क्या करना चाहिए, उसे बहुत सफोकेशन फील होता है। वो फौरन घड़ी को रख कर एक रिलीफ की सांस लेता है और फिर अपनी सांस रोक कर आगे बढ़ जाता है। मीन्स घड़ी को वापस रख कर उसे काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा था और वो आगे बढ़ जाता है। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक्स।